रायगढ़ नगर निगम को छत्तीसगढ़ का प्रथम पूर्ण टीकाकृत नगर निगम बनाने जिला कलेक्टर ने रायगढ़ नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदों व जन प्रतिनिधियों की बैठक की। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सृजन सभा कक्ष में महापौर जानकी कारजू व नगर निगम रायगढ़ के सभी जन प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर भीम सिंह ने अपने अपने वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगवाने के लिए प्रयास करने की बात कही। बताना चाहेंगे कि जिले में टीकाकरण कार्य सभी ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। जिला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी टीकाकरण के लिए लगाई गई है। जिला कलेक्टर ने इस बात की घोषणा की है कि रायगढ़ नगर निगम के जिस वार्ड में सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन पूर्ण कर लिया जाएगा उस वार्ड को 5 लाख व अन्य पूर्ण टीकाकृत वार्डो को 1-1 लाख रूपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इनाम की घोषणा के बाद सभी में टीका लगाने और लोगों को जागरूक कर टीका लगवाने की रुचि बढ़ी है। जिला कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि जिले में वैक्सीन की कहीं भी कोई कमी नहीं है। कोवैक्सीन व कोविशील्ड दोनों ही टीके कोरोना संक्रमण से बचाव में कारगर हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि वह लोग जिले में होने जा रहे महा टीकाकरण अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं और स्वयं व अपने परिचित या परिजनों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। 100% टीकाकरण के लिए आज जन प्रतिनिधियों की बैठक रखी गई कलेक्टर साहब द्वारा, बताएंगे आज क्या बात हुई। कलेक्टर सर ने आज बैठक रखे थे सभी पार्षदों एल्डरमैन के साथ, तो उन्होंने कलेक्टर सर ने ये बताया कि जो 70,000 का हमारे टारगेट है नगर निगम में, उसको कंप्लीट करने के लिए सभी जन प्रतिनिधि से सहयोग के लिए कहा गया है और उनका लिस्ट दिया गया है कि जैसे ही जिसका जिसका घर में छूट गया है उसका लिस्ट दिया है सर्वे करके लगाना, और जिसको सर्दी खांसी बुखार है उसी को नहीं लगाना है, बाकी को सबको लगा सकते हैं। जैसे गर्भवती महिला है, दूध पिलाने वाली माता है, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, हमारे शासन का गाइडलाइन है, उसी के लिए ये बैठक किया गया है। और हम सभी पार्षद लोग उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें विश्वास पे लेकर कार्य कर रहे हैं। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि सभी को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है और इस बीमारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन कोई खतरा नहीं है, ये सब अफवाह है, अफवाह पे हमें नहीं जाना है, सिर्फ वैक्सीन करवाना है। प्रोत्साहन राशि की उत्साह जो है पार्षदों में देखी जा रही है, कलेक्टर साहब द्वारा प्रोत्साहन राशि की बात की गई है, अभी तक ऐसे कौन से पार्षद हैं जिन्होंने लगभग टारगेट पूरा कर लिया है? 2-3 पार्षद लोगों ने टारगेट पूरा कर लिया है अपने अपने वार्ड का, तो सभी पार्षदों को भी 1-1 लाख देने का कलेक्टर सर ने वादा किया है। जैसे कि सभी पार्षद उसके वार्ड में कंप्लीट कर लेते हैं 100%, तो सभी को 1-1 लाख दिया जाएगा शहर विकास के लिए। और जिन्होंने फर्स्ट पूरा करेंगे उनके लिए कुछ विशेष है? उनके लिए विशेष है 5-5 लाख का। सर 100% टीकाकरण के लिए आज जनप्रतिनिधियों से बैठक रखी गई। सर अभी रायगढ़ नगर निगम को 100% वैक्सीनेट करने के लिए आज सभी पार्षद महोदय से मैंने बात किया है और सभी लोग उत्साहित हैं, और परसों जो है महाअभियान रायगढ़ शहर में चलेगा जिसमें सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में जो छूटे हुए लोग हैं उनको लेके आएंगे, और सफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन हमारे पास हैं तो पूरा अमला हमारा उसमें लगेगा। वैक्सीनेटर सफिशिएंटली हर वार्ड में एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रहेगा, और सभी पार्षद जो है जितने भी लोग बचे हुए हैं अपने अपने वार्ड में उनको लेके आएंगे, और हमारा ये मकसद है कि पूरे रायगढ़ को पहला नगर निगम पूरे राज्य में बनाए जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। सर कोवैक्सीन की कमी देखी जा रही है? नहीं, कोवैक्सीन भी हमारे पास है, अभी तकरीबन 1,000 डोज के आसपास हैं, लेकिन कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों ही बराबर है, कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। सर पार्षदों में प्रोत्साहन राशि को लेकर एक उत्साह है सर? हाँ, प्रोत्साहन राशि हमने सभी को बोला है कि सभी लोग जो भी पहला जो वार्ड होगा उसको 5 लाख रुपए मिलेगा, और बाकी जो अपने जो भी अपने वार्ड को पूरा कर लेगा उसको 1-1 लाख रुपए सभी को CSR से। रायगढ़ से संजय सार्थी की रिपोर्ट।